नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। शकूर बस्ती के सैनिक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन ने एमसीडी व पार्षद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले बयान पर करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर ने कहा कि मंत्री सत्येंद्र जैन क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं। हमारी पार्षद वंदना जेटली क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, स्वयं क्षेत्र में लोगों के बीच रहती हैं तथा समस्याओं का निवारण करती हैं। मंत्री महोदय का यह आरोप सरासर निराधार और बेबुनियाद है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जायसवाल जी, आज यहाँ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बहन वंदना जेटली जी यहाँ की निगम पार्षद है, उनके निर्देशन में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए, आने वाले समय में अभी डेंगू का भी खतरा है, अभी कोरोना भी अभी चल रहा है, तो इसी नाते यहाँ की जनता को अवेयर करने के लिए एक तो यहाँ पर हम एजुकेट कर रहे हैं कि अपने घरों में मच्छरों को ना पनपने दे, ताकि डेंगू का प्रकोप जो है जैसे पिछले सालों में रहा, इस साल वैसा ना हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में हमारे यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी है, डेंटिस्ट भी है, आँखों की भी है, बच्चों के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी गई है कि आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकें। कल मंत्री सत्येंद्र जैन आपके विधायक आपके द्वार के दौरान रानीबाग के विभिन्न जगह कार्यक्रम में आए और सीधा सीधा भाजपा शासित एमसीडी पर हमला बोला है, भ्रष्टाचार का हमला बोला है। देखें जायसवाल जी, ये ना राजनीति, वो पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि वो केवल केवल राजनीति का खेल खेल रहे हैं, चाहे वो वाटर लॉगिंग का काम हो, चाहे वो आज भ्रष्टाचार की बात हो। भ्रष्टाचार जो है उनके अपने क्षेत्र में, अपने उनकी पार्टी में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं तो अभी आपको यही कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में आप कोई भी एक आरोप मेरे को बता दीजिए, जैसे वो एमसीडी पर कहते हैं कि आरोप वो लगा रहे हैं, किस क्षेत्र में वो आरोप लगा रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि एमसीडी पर किस क्षेत्र में वो आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे को, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ की जो जनता है ज़्यादातर एमसीडी का काम सफाई का काम रहता है, वो प्रॉपर सफाई का काम हो रहा है। सीवर का काम इन्हीं का है, वो जाम रहे। वाटर लॉगिंग जो है वो सीवर की वजह से हुई। यदि मेन सीवर जो है खुल जाए तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि पर लेंटर का क्या खेल है। जायसवाल जी, पर लेंटर का कोई खेल नहीं है। हमें नहीं मालूम कि बिल्डर लॉबी के साथ इनकी क्या साठगांठ है, हमें नहीं पता कि आम आदमी पार्टी की क्या साठगांठ है, हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ तक ये क्षेत्र की जनता का सवाल है, कोई एक व्यक्ति ये आ जाए कि हाँ हमारे पास जो है अपना निजी घर हम बना रहे हैं और हमारे पास जो है एमसीडी के व्यक्ति ने आकर के कोई तंग किया, दुखी किया, और यदि कोई ऐसा होता तो हमारे निगम पार्षद तुरंत उनको संज्ञान में लेती है, तुरंत उनका जो है उसकी शिकायत को दूर करती है। और पहली बात तो कोई भी एमसीडी का अधिकारी, कोई भी एमसीडी का कर्मचारी इस प्रकार के कार्य करने के लिए जनता के पास नहीं जाएगा। हाँ, बिल्डर लॉबी के साथ क्या किसका है हमें उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बिल्डर लॉबी वो जाने और आम आदमी पार्टी जाने, हमें उसका कोई इलम नहीं है। कम्युनिस्ट कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, इससे कांग्रेस को भला होगा या कन्हैया कुमार को भला होगा? भाई, इसमें तो कन्हैया कुमार की अपनी ही छवि जो है सुधर रही है। कांग्रेस का तो भला क्या होना, कांग्रेस का तो भला होने वाला नहीं है। सिद्धू भी आज आपने देख लिया, पंजाब में सिद्धू ने कांग्रेस की नैया को जहां आगे लेके जाने की बात कही थी, वहीं डुबो दी सिद्धू ने कांग्रेस की नैया। आज कांग्रेस की जो छवि है वो पूरे देश में खराब ही हुई है कन्हैया कुमार के साथ आने से। कांग्रेस का तो भला होने वाला नहीं है। हाँ, उसकी अपनी छवि में कुछ प्लस हो तो हो। ये हमारे साथ बात कर रहे थे रानीबाग के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जोगिंदर खट्टर जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।